दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो सोचते हैं कि शादी से पहले संबंध बनाकर मौज मस्ती की जा सकती है। जी हाँ, आजकल के युवाओं को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा है। आजकल तो 11 में रहते हैं, जहाँ बिना शादी किए ये रातों को हसीन बना देते हैं। कहने का मतलब है कि शादी की कोई टेंशन नहीं और लड़का लड़की को एक साथ रात बिताने का मौका भी मिल जाता है। आजकल ओयो रूम से लेकर तमाम होटल युवाओं से भरे रहते हैं, क्योंकि हर वीकेंड इन्हें मस्ती करने जो निकलना है। दिन में नशा किया और रात को संबंध बनाया, ऐसे में बच्चा होने का डर तो लड़कियों में रहता ही है और वो कई तरह की बच्चा गिराने वाली दवाइयों का सेवन करने लगती हैं, जिनका असर इन्हें रियल लाइफ में तब पता चलता है जब ये शादी करके बच्चे पैदा करना चाहती हैं। जी हाँ, तब इन्हीं लड़कियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर में पेट में एक स्वस्थ बच्चे को कैसे पाला जा सकता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुपम पल होता है। इस एहसास के लिए अपनी गर्भावस्था के दौरान वो कई सपने भी सजाती है। महिला के मन में ये जानने की काफी उमंग होती है कि बच्चा गर्भ में किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या क्या कर रहा है। परिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान महिला की काफी देखभाल करते हैं। आइए जानते हैं गर्भ में किस तरह बड़ा होता है शिशु। कौन सा समय गर्भधारण के लिए बेहतर? ओव्यूलेशन के समय यानी इसके एक दो दिन पहले यौन संबंध बनाना लाभकारी होता है। इस समय शुक्राणु और अंडे के मिलन यानी निषेचन होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ट्यूब में निषेचन होने के 5-6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जो सामान्य है। गर्भ गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय कर लेता है। कैसे जाने गर्भधारण हुआ है? सामान्य तौर पर महिला को शुरुआत में तो ये पता नहीं होता कि वो गर्भधारण कर चुकी है। पीरियड के 4th हफ्ते यानी 28 दिन बाद भी माहवारी नहीं आती है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट कराना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली बनने लगती है, जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इस दौरान एक प्लेसेंटा, एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन भी बनने लगता है। ये माँ और शिशु को जोड़ता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनने शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ पैर, उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाती हैं। 6th सप्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। 9वें से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु के चेहरा, कान, हाथ पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं, नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लिवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। यह शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम ही रहती है। 3rd महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। 4th महीने में आंखें, भौहें, नाखून और जननांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डोपनर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकते हैं। सामान्यतया इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होता है। 5वें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है, जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए वो हलचल शुरू कर देता है, जिसे माँ महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 6th महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। लाइट के प्रति वो अपना रिएक्शन देने लगता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है।
इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। आठवें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होते हैं। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो जन्म का इंतजार करने लगती है। नवे महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है, पलकें झपकना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होते हैं। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतया शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पे जोर डालने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अबॉर्शन कराने से खतरा। दोस्तों, मां बनना हर महिला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन कई बार अनचाही प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है। ऐसे मामलों में फिर उन्हें गर्भपात का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, 20 हफ्ते से पहले यूट्रस में बेबी का हार्ट बीट बंद हो जाए तो उसे गर्भपात कहते हैं। 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन करवाना महिला के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर कोई महिला 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसे कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। हमारे देश में अबॉर्शन को लेकर कई अनियमितताएं हैं, जिसकी वजह से कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्भपात से पहले इन बातों पर ध्यान। किसी भी महिला को गर्भपात कराने से पहले अल्ट्रासाउंड कराना बेहद जरूरी होता है। कई बार महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहती, लेकिन उनकी सेहत के लिए एक बार अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी को कंफर्म करना बेहद जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है और बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या नहीं। अल्ट्रासाउंड के बाद ये फैसला लिया जाता है कि किस तरीके से अबॉर्शन किया जाए। कैसे होता है अबॉर्शन? 12 हफ्ते से पहले अबॉर्शन के लिए मेडिकल तरीका अपनाया जाता है। 9 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में मेडिकल अबॉर्शन के दौरान गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन गोलियों की वजह से गर्भाशय के लाइनिंग को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे भ्रूण गर्भाशय से अलग हो जाता है और गर्भ खत्म हो जाता है। इस दौरान मिफेप्रिस्टोन और मिफेप्रिस्टोल दो गोलियां लेनी होती हैं। एक दवाई पहले दी जाती है, बाकी की 4 दवाइयां 48 घंटे के बाद दी जाती हैं। ब्लीडिंग के साथ ही अबॉर्शन हो जाता है। 12 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी में डीएनसी करना बेहतर रहता है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी का तरीका ही अपनाया जाता है। मरीज को दवाई देकर पेन इंड्यूस किया जाता है। एक खास तरह की सिरिंज भ्रूण को बाहर निकाल देती है। कई बार ऑक्सीटोसिन की भी जरूरत पड़ती है। बिना डॉक्टरी सलाह के न ले दवाई। कई बार महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खा लेती हैं। ऐसी गलती करने से बचें। हालांकि अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला ये दवाई बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दे रहा है तो वो गैरकानूनी है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो सबसे पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।